अगर आप भी घर बैठे मंगोलियन चिकन या चिकन विद कैशू नट और चिकन विद पाइनएप्पल जैसी ग्रेवीज का मजा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज हम उससे भी अच्छी ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लोर और जिंजर और गार्लिक का पाउडर। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। और चिकन जो बोनलेस है वो मेरे पास है ऑलमोस्ट 600 to 700 grams। ठीक है जी, और इसमें हम एक एग जो है वो बीट करके ऐड करेंगे और इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है और बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। फोक की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें, एज यू विश। मैरिनेशन अच्छी सी होनी चाहिए। इसको आप इसे अच्छे से मैरिनेट कर दें और हम इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम भी 30 मिनट्स के लिए। आपने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट कर दिया है, इसको आप इस तरह से कवर कीजिए और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। अब हम साथ साथ क्योंकि राइस भी प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ मैंने एक एग लिया है और उसमें मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ येलो, और ताकि इसका बहुत ही फ्रेश सा एक येलो कलर आ जाए, क्योंकि चाइनीज़ जो राइस होते हैं या वेजिटेबल राइस होते हैं उसमें कलर्स जो हैं वो बहुत काउंट करते हैं। आपके कलर्स बहुत आई कैची और बहुत जो है वो टेम्पटिंग होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट कैसा है ये तो बाद में ही पता चलेगा, बट पहले लुक अच्छी आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन अगर खाने की शक्ल अच्छी ना हो तो खाना खाने को दिल ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे एग जो है उसको हमने इस तरह से ऑयल में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा बर्तन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी जो है वो पैन में मैंने राइस बनाने हैं तो मैंने उसी में ऑयल डाल के जो है वो इस तरह से आपने एग को रेडी करना है और स्क्रम्बल एग बना के आपने इसको साइड पे कर लेना है। ठीक है जी, इसको अब आप किसी प्लेट में साइड पे जो है वो किसी प्लेट में निकाल लें। इसके साथ ही हम यहाँ पे क्योंकि एक साइड पे मैंने राइस रेडी करने हैं और दूसरी तरफ मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो है वो फ्रेश गार्लिक लिया है ग्रेवी के लिए। ऑल्दो मैं ऑलरेडी जो है वो ऐड कर चुकी हूँ गार्लिक का पाउडर, बट फ्रेश गार्लिक जो है वो मैं ग्रेवीज में ज़रूर ऐड करती हूँ। इसी तरह राइस के लिए भी मैंने एक साइड पे थोड़ा सा गार्लिक ले लिया है। जैसे जैसे थोड़ा सा गार्लिक की शक्ल जो है वो कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इसका स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे जो ग्रेवी के लिए जो मैंने गार्लिक थोड़ा सा गोल्डन किया है, अब जो मैरिनेटेड चिकन है वो हम उसमें डालेंगे। और यहाँ पे मैं बहुत दफ़ा जो है वो जितनी भी मैंने चाइनीज़ ग्रेवीज आपके साथ शेयर की हैं, आपको पता होगा कि मैं कभी भी डीप फ्राई नहीं करती हूँ चिकन को, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल लेके उसको फ्राई किया जाता है, तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने कट करके रख दी हैं और जो आपको कचूमर टाइप एक लुक नज़र आ रही है वो मैंने राइस के लिए रखी है, बिल्कुल एक डाइस शेप में, बिल्कुल क्रश्ड जो है वो वेजिटेबल्स हैं। और जो आपको रॉ फॉर्म में नज़र आ रही है थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में, वो जो है वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल के मैंने यहाँ पे एग जो है वो ऐड कर दिया है और इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालनी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है और थोड़ा सा आप चाहें तो फ्लेवर के लिए चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, उससे यह है कि राइस में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखें जनाब, वेजिटेबल में, और आपको राइस में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपको उसको ग्रेवी के साथ सर्व करना होता है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे चिकन, तो ये देखें बहुत ही क्रिस्पी देखने में, लेकिन नहायत टेंडर जूसी, बहुत अच्छा बनता है ये। और ये देखें इसकी लुक भी चेंज हो गई है, पिंक हो गया है, गोल्डन हो गया है, और देखने, और इसको आपको बहुत ज़्यादा भी पकाना नहीं पड़ता है और बहुत जल्दी जो है वो रेडी हो जाता है ये। दूसरी तरफ मैंने इसमें जैसे आपको बताया है कि आपको सिर्फ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिकन क्यूब ऐड कर दें, और अब मैंने जो राइस बॉईल किए थे वो मैं इसमें मिक्स करूँगी, और मेरे जो वेजिटेबल राइस हैं, चाइनीज़ राइस हैं, गार्लिक राइस कह लें, वो रेडी हैं जो हम ग्रेवी के साथ सर्व करने वाले हैं। और बच्चे इसको इतने शौक से खाते हैं, इसकी स्पाइसेस इतनी बैलेंस होती हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप किसी भी तरह की ग्रेवी सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने राइस जो है इसको मिक्स करके रख दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है वो स्टीम करेंगे और बस
आपके राइस रेडी है। अब हम आ जाते हैं जनाब ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी में से चिकन मैंने डन करके निकाल लिया है और अब यहाँ पे मैंने टमाटो जो है उसकी प्यूरी बनाई हुई है और पहले मैं इसको ब्राउन करूँगी, इसको थोड़ा सा भूनूंगी ऑयल के अंदर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा केचप में पका के ग्रेवीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत मीठी लगती हैं और कॉर्नफ्लोर डाल के तो वैसे ही उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। जो हमें चाइनीज़ में सर्व किया जाता है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जो है वो हमेशा टमाटर प्यूरी डालती हूँ, फ्रेश टमाटोज की प्यूरी डालती हूँ। इसमें मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया है, गार्लिक का फ्लेवर ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा रिच है तो अब जो है वो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। दूसरी साइड पे हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो है उनको सौते करेंगे। इसमें आपने कैरेट ले लेनी है, कैप्सिकम ले लीजिए और इसके साथ अगर आप चाहें तो ग्रीन अनियंस ले सकते हैं और अनियंस के जो चंक्स होते हैं आप 4 पीसेस में उसको कट करें और उसकी जो लेयर्स हैं उसको अलग कर लीजिए तो साथ में अनियंस भी ऐड हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप नट्स ऐड करेंगे इसमें फ्राई करते वक्त। टमाटो प्यूरी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और चिकन क्यूब की वजह से सॉल्टी फ्लेवर ऑलरेडी इसमें है। क्रश्ड गुड़ जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, शुगर ऐड नहीं करूँगी। उसके साथ सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस, ये सारी चीज़ें आपने एज पर टेस्ट ऐड करनी है। आपको अगर ज़्यादा जो है वो स्पाइसी पसंद है तो आप चिली सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसकी जो लुक है वो ब्लैक नहीं आनी चाहिए, उसको फ्रेश रेड रहना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैंने चिकन ऐड कर दिया है और चिकन भी इतना टेंडर और इतना जूसी हुआ हुआ है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है वो ग्रेवी के अंदर। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और वेजिटेबल्स आप फ्राई करके साइड पे रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना हो आप उन क्रंची वेजिटेबल्स को उसके अंदर डालें, मिक्स करें और सर्व करें। तो यहाँ पे मैंने अनियंस भी ऐड कर दिए हैं और नट्स ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसके साथ साथ जो है वो कैशू नट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न इस तरह का नहीं था तो मैंने कैशू नट अवॉइड किए हैं। और यहाँ पे अब आप इन वेजिटेबल्स को ऐड करें, टॉस करें और आपका सर्व करने के लिए ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जो है वो लुक आप माशाल्लाह से इसकी देखें, कितने अच्छे कलर्स हैं तो खाने का दिल क्यों नहीं करेगा। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी सी जो है वो यहाँ पे ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप इसको अपने राइस के साथ सर्व कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।